हम ये पुराना शरीर छोड़ के क्या बनेंगे? देवी देवी देवता देवता बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, क्या बनेंगे? प्रिंस राजकुमार प्रिंसेस। राजकुमारी। नशे में रह के ईश्वरीय सेवा करनी है, और आपको ना नशा चढ़ा होना चाहिए। जैसे किसी को, किसी के पास बहुत धन होता है, किसी की लॉटरी निकल आती है ना, उसको नशा होता है, अपने पोस्ट ऊंची हो उसका भी नशा होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो स्वयं साक्षात ईश्वर मिला है, तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। चलो वरदान लेते हैं। निंदक को भी अपना मित्र समझ, निंदक को भी अपना मित्र समझ, सम्मान देने वाले सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता भव, निंदक को भी अपना मित्र समझ, निंदक को भी अपना मित्र समझ, सम्मान देने वाले सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, मास्टर रचयिता भव। मास्टर चैता भव। देखो कितना सा। बाबा ब्रह्मा कहते थे ना, निंदा हमारी जो करे मित्र मित्र हमारा सोए। हमारा लेकिन सोए। आसान नहीं आई। आपकी कोई निंदा करे आप उसको क्या समझोगे? दुश्मन की दुश्मन तरह। और हम उसको भी, उसकी निंदा जब तक नहीं कर लेंगे, अंदर तब जो है तक चैन चैन नहीं नहीं आएगी। पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझकर हर एक को सम्मान दिया, चाहे छोटा बच्चा भी हो, बाबा के पास कोई भी जाता था तो बाबा का हो जाता था। क्यों? वहाँ इतना प्यार मिलता था, इतना प्यार मिलता था कि अपने माँ बाप रिश्तेदार संबंधी भूल जाते थे। माउंट आबू में जाते थे तो कभी घर आने का संकल्प भी नहीं उठता था। हम लोग 1976 की बात है, ऐसे रोते थे जैसे पता नहीं क्या हो गया, वापस ऐसे से बाना बहुत होता बन था। जाती थी ये, ऐसे रोते थे। तो बहुत ज़्यादा उस वक्त वो, मतलब दुनिया ही अलग थी। अब तो धीरे धीरे बड़ा विस्तार हो गया, और उतना सतोगुण भी फिर नहीं रहता किसी भी चीज़ में। उस वक्त तो सतो प्रधानता थी। सेवाधारी समझ के ब्रह्मा बाबा ने सबको सम्मान दिया, सदा मालिकम सलाम किया, कि मालिकों को मेरा सलाम हो। सलाम, बच्चों को क्या कहा? बालक सो बालक सो मालिक, मालिक। और इन मालिकों को मैं अपना सलाम सलाम देता हूँ। करता हूँ। भगवान भी सलाम करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी सलाम करते हैं। ऐसे कभी नहीं सोचा ब्रह्मा बाबा ने। क्या ऐसे ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं सोचा क्या? देखो किसको टच होता है। के बच्चे छोटे हैं या नादान हैं या कुछ ऐसे। पीछे से लिंक करो ना। क्या ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई मेरे को सम्मान देवे तो मैं दूं। जैसे ज्यादातर लोग क्या है, नमस्ते करने में भी सोचते हैं हिचकिचाते सामने वाला करे पहले, वो नहीं करता तो हम क्यों करें, बिल्कुल। होता है ना कितनी अच्छी अपना बात वो। है। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने ये भी नहीं कभी सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझ के सम्मान दिया। जिन न्यूज़पेपर ने अगेंस्ट लिखा, बाबा ने उनके खिलाफ़ भी कभी कोई मानहानि, जबकि बच्चे कई बार कहते थे बाबा इन पे मानहानि ठोको, सारा झूठ लिखा है, बाबा कहते नहीं ये मेरे बच्चे ये हैं, ये सेवा भी करेंगे, फिर यही सेवा और करेंगे, हुए भी, आए भी, ऐसा ही हुआ। कन्वर्ट भी हुए। तो बाबा कहते हैं, निंदक को भी अपना मित्र समझ के सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, आप भी ऐसे करो, सबको सम्मान मान दो, दो, निंदा किसी की नहीं ना करो। करो। कोई निंदा करे भी तो बुरा नहीं समझना, वो भी हमारा मित्र है, क्योंकि कई बार जो निंदक होते हैं ना वो सही बात भी बताते हैं, बताते हैं, क्रिटिसाइज। ऐसी बात नहीं है कि हर बार झूठ ही बोलते हैं।
तो उनको भी वैल्यू देना चाहिए। मैं तो गुरु कहता हूँ हमेशा, ऐसे लोगों को हम कहते हैं ये हमारे गुरु हैं, और कोई भी निंदा करे, गलानी करे, क्योंकि वो हमें नष्ट और मोह बनाने में मदद करते हैं। इस दुनिया की वास्तविकता वही दिखाते हैं। नहीं तो मान लो आप मेरे को मान दो, मैं आपको दूँ, है ना। जैसे मान लो पति पत्नी हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे में प्रेम कहो मोह कहो उलझे हुए हैं, तो उनको जल्दी वैराग नहीं आ सकता। आता ही नहीं इनको तो। और अगर वो एक दूसरे को कभी कभी खींच दें तो थोड़ा सा आ जाता है उसी का भी हम उसको थोड़ा तो होता है, अभी क्या है, कुछ नहीं, कितना ही कर लो, सा। आता है ना। आता है। हाँ भी, यहाँ कोई कदर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, बाबा कहते हैं सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ के सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया आपका परिवार है।